पसीना आ गया। ठीक चालू है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आशा का एजुकेशन में। आज फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है वाष्पन, इसको देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आखिर वाष्पन होता क्या है और वाष्पन किन किन कारणों से प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है और वाष्पन किस स्थिति में कम मात्रा में होगी और किस स्थिति में ज़्यादा मात्रा में होगी, इन दोनों टॉपिक को अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वाष्पन होता क्या है। देखिए, कहा जाता है कि एक निश्चित ताप पर जब द्रव पदार्थ वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ती है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं वाष्पन। जब कभी भी एक निश्चित ताप पर द्रव पदार्थ गर्म होकर या वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ती है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं वाष्पन। ठीक है, आपने देखा होगा, जनरली आप लोग अपने घर में भी कभी कभार पानी वगैरह गर्म करते होंगे या फिर दूध गर्म करते हैं, क्योंकि ये दोनों पदार्थ जो है ना द्रव पदार्थ है। और जब कभी भी हम लोग पानी गर्म करते हैं और पानी को कुछ एक्स्ट्रा देर तक या कुछ ज़्यादा समय तक अपने चूल्हा पे उसको छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद हमें जो है पानी के ऊपर से गैस गैस जैसा पदार्थ दिखना शुरू हो जाता है। देखिए, होता यह है कि पानी जो है एक निश्चित ताप पर द्रव पदार्थ के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, द्रव पदार्थ के रूप में रहते हैं, और जब उसका तापमान बढ़ जाता है, जब हम उसको कुछ ज़्यादा देर तक गैस पर छोड़ देते हैं तो इसका चूंकि तापमान बढ़ जाता है जिस कारण से ये गैस पदार्थ बनकर वायुमंडल में उड़ने लगता है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं वाष्पन। अब देखिए, कुछ ऐसी भी स्थिति है जहाँ पे वाष्पन की घटना कम होती है, या तो उसकी मात्रा कम होती है और या तो उसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसके मेन जो वैसे कंडीशंस हैं उस कंडीशन को हेडिंग में हम लोग कहते हैं कारक। कहने का मतलब कि वाष्पन को कौन सी ऐसी कारक है जो प्रभावित करती है, तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। देखिए, इसके जो मेन कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि वाष्पन जो है ना एक तापमान के कारण भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, पहला कारक है तापमान, क्योंकि देखिए ताप यदि कम होगा तो वाष्पन की घटना सिंपल सी बात है कि बहुत कम मात्रा में होगी, और तापमान यदि बहुत ज़्यादा होगा तो वाष्पन की घटना जो है वाष्प बनकर द्रव पदार्थ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग पहला कारक कह सकते हैं कि ये है जो क्या करती है, वाष्पन को प्रभावित करती है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं आर्द्रता होता है। आर्द्रता कहने का मतलब है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, वाष्प बनकर जो द्रव पदार्थ है वो वायुमंडल में उड़ती है। आप खुद सोचिए, वायुमंडल में यदि पहले से द्रव पदार्थ या वाष्प की मात्रा की उपस्थिति ज़्यादा होगी तो वाष्प बन के जो पदार्थ ऊपर उड़ेंगे वो कहाँ उड़ेंगे, उसको जगह तो नहीं मिलेगा। इसलिए चूंकि ऑलरेडी जब वातावरण में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसके कारण जो वाष्पन होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और वो किस मात्रा में, थोड़े कम मात्रा में होते हैं। तो दूसरा, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा हुआ है, कारक के रूप में आर्द्रता। और जो ये तीसरा है वो होता है ये इसकी द्रव की प्रकृति। कहने का मतलब होता है, पानी और दूध को हम यदि एक साथ गर्म करना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी बहुत जल्दी वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, जबकि दूध को वाष्प बनकर उड़ने में थोड़ा समय लगता है। इसका मतलब ये है कि हर एक पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, वो अलग अलग समय पे वाष्प बनकर उड़ते हैं, तो इसलिए इसका तीसरा मेन कारक जो है वो द्रव की प्रकृति होती है। और चौथा जो है इसका वायु का वेग होता है। अब देखिए, आखिर ये क्या होता है, आप खुद सोचिए, इसमें यदि वाष्प बनकर द्रव पदार्थ उड़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। अब यदि वायु का वेग होगा तो वायु के वेग क्या करते हैं कि इस कणों को, जो ऊपर के कण होते हैं, इस कणों को टाल के ये इधर की तरफ ले आते हैं, जिसके कारण ये ऊपर का स्थान जो है वो खाली हो जाता है। ठीक है, और दोबारा से जब क्या होते हैं कि नीचे के कण जब ऊपर जाते हैं तो इसको ऊपर जाने में आसानी रहता है, जिसके कारण ये पदार्थ जो है आराम से ऊपर उड़ सकते हैं। तो मतलब वायु का वेग यदि अच्छा खासा होगा तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी या अधिक होगी। तो इस तरीके से हमने देखा आज की क्लास में या आज की वीडियो में वाष्पन आखिर होता क्या है और वाष्पन को मेन कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से यदि आप हमारे इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे आशा का एजुकेशन के फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए या वहाँ तक भी हमारे इस वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद।